जहाँ से एपिसोड एंड हुआ था ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस पर पंच लगा देता है हुआंग होंग पे, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि किसी बंदे ने हमारे मेन कैरेक्टर पे कोई टेक्निक का यूज़ किया होता है। और फिर वो वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है, वो कहता है तुमने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है हमारे सेक्ट में, अब तुम्हें इसका भरपाई करनी होगी। और वो बंदा वहाँ आ रहा होता है और वो कहता है तुम बिना किसी कारण के यहाँ पे एक बंदे को मार नहीं सकते, तुम बिल्कुल भी जुआंजिंग सेक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। फिर हमें उस बंदे की डिटेल्स बताई जाती है, वो बंदा हुआंग यू होता है और हमारे ये हुआंग होंग का मतलब चाचा होता है और वो इस सर सेक्ट का एक एल्डर भी होता है। फिर जो हुआंग होंग होता है वो कहता है अपने चाचा से, चाचा प्लीज़ मुझे बचा लो वरना ये लू हाउ मुझे मार देगा। फिर वो अपने मन में कहता है वैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है कि मैं इससे बच सकता हूँ वरना ये मुझे मार देगा। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है ये बंदा कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, इसने अपनी क्यूआई फील्ड की मदद से मुझे यहाँ पे रोक के रखा है। और फिर हमें थोड़ा क्यूआई फील्ड के बारे में हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, जिस टेक्निक का इस्तेमाल इसने मुझ पर किया है उसको क्यूआई फील्ड कहते हैं। और क्यूआई फील्ड कोई बंदा ज़्यादा से ज़्यादा ट्रू क्यूआई रैलम या उससे ऊपर का बंदा होगा वही इसका इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा क्यूआई एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिससे वो क्यूआई एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में कंप्रेस करने के बाद मतलब उसको एक तरीके से किसी भी जगह फोकस कर सकते हैं और उसे जो हमारी लड़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करती है, जिसकी वजह से हम फाइट्स को बहुत ज़्यादा ईजिली जीत सकते हैं। इसका इस्तेमाल लोग अपने से कमज़ोर बंदों को हराने के लिए करते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ये भी कहता है इसका जो रैलम है मतलब जो इसकी पावर लेवल है वो सैंड मार्शल रैलम के बराबर है। फिर जो हुआंग यू मतलब जो एल्डर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है अभी तुम्हें आया हुआ मतलब तुम्हें हमारे सेक्टर में आए हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबत मचा रहे हो और तुमने इन्फोर्समेंट मॉडल में तो तबाही मचा दी है, इस वजह से मुझे यहाँ पे तुम्हारे वजह से आना पड़ रहा है। तुम्हें नहीं पता कि सेक्ट के रूल्स को तोड़ना कितना बड़ा एक क्राइम है और तुम यहाँ पे सरेआम एक बंदे को मार रहे हो, तुम्हें इसके लिए डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो कहते हैं हाँ ये बात सच है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राइम है, ये खुलेआम एक बंदे को मार रहा है। जो हुआंग होंग होता है वो कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, तुमने ये सारे जो क्राइम किया है इन्फोर्समेंट हॉल में जो तबाही मचाई है, बिना मेरी कोई भी रुकावट के तुम यहाँ पे मरने वाले हो, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या डर, डर नाम की चीज़ तो मैंने आज तक सुनी भी नहीं और ना मुझे कभी सुन पाऊंगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इन्फोर्समेंट हॉल में तबाही मचाने आया था, नहीं वहाँ पे मुझे पहले से पता था या तो मैं मर जाऊँगा या तो मैं किसी को मार दूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला कहता है आप सब जो भी यहाँ पे मेरी बातें सुन रहा है वो थोड़ा गौर करके सुनिए, अगर मुझे यहाँ पे किसी बंदे को मारने के बाद कुछ डेथ पेनल्टी मिलती है तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो ये बंदा वांग होंग है इसने मेरे रूममेट शाओमू को मारा है और इसके बदले इसको भी डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, अगर मैं यहाँ पे मरता हूँ तो ये भी मरना चाहिए। और ये बात मैं सारे के सारे आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स के सामने कहता हूँ। फिर जो वांग होंग का अंकल होता है वो कहता है वांग होंग से कि तुम्हें इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, अगली बार ऐसी तुमने कोई मुसीबत क्रिएट करी तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है अंकल प्लीज़ एक बार संभाल लो। और वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो कहते हैं हाँ ये बात सच है, इसने सीक्रेटली उस बंदे को मारा है, हिसाब से इसको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। फिर जो हाँ हुआंग यू है मतलब जो एल्डर है वो कहता है कि तो इसमें दोनों पार्टीज़ की गलती है, इसके हिसाब से तुम दोनों को ड्यूअल करना चाहिए, मतलब डेथ एंड लाइफ का ड्यूअल, और इसमें जो भी जीतेगा वो बच जाएगा और जो मरेगा वो मर जाएगा, और ये रूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है ठीक है मैं और कुछ नहीं पूछना चाहूँगा और मैं इसको आप सबकी आंखों के सामने मारूंगा। फिर जो एल्डर होता है वो कहता है आज से करीब 3 दिन बाद लाइफ एंड डेथ ड्यूअल स्टेज पे मिलेंगे और वहाँ पे ये फाइट होगी। फिर जो उसका भतीजा होता है मतलब वो कहता है अंकल प्लीज़ रहन दो मैं नहीं कर पाऊँगा उससे फाइट और मैं मारा जाऊँगा। फिर वो बंदा कहता है तुम चिंता मत करो मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स है उसकी मदद से तुम उसको मार सकते हो और वेपन्स भी हैं। वो कहता है ठीक है और वो अपने मन में सोचता है अब तो मैं इसे मार ही दूंगा और इसे सारा बदला ले लूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे वो उसकी कब्र के पास बैठा होता है मतलब जो जिम होता है उसकी कब्र के पास, और वो कह रहा होता है जो मेरी ड्रैगन ब्लड लाइन है उसकी मदद से मैंने उसको ऑलमोस्ट मार ही दिया था, वो मरने की कगार पे ही था। फिर जो जिमो की ग्रेव होती है उसके पास वो अपना सेक्रेट मिरर रख के उसके अंदर चला जाता है। वो अपने मन में कहता है अगर मैं 3 दिन के अंदर इन द ट्रू क्यूआई के रैलम पे पहुंच जाता हूं मतलब पावर लेवल पे तो मैं उन लोगों के बुरे सपने तोड़ सकता हूँ और उन्हें अच्छा मज़ा चखा सकता हूँ जो उन्हें सोचा भी नहीं होगा। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ट्रू क्राइम रैलम के स्टेज लेवल 1 पे पहुँच जाता है और वो अपने मिरर से बाहर आता है, वो कहता है आखिरकार मैं अपने स्टेज पे पहुँच गया हूँ, अब मैं तुम्हारा बदला लूँगा जिम्मू, तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारा पूरी तरीके से उनसे बदला लूँगा, जो तुम्हारे साथ उनने किया उसका पूरा का पूरा बदला। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ड्यूअल स्टेज पे दिखाया जाता है जहाँ पे जो फाइट होने वाली होती है और वहाँ पे बहुत सारे बंदे कहते हैं ऑडियंस कहती है कि यहाँ पे हमारे दो बंदे आ चुके हैं जिनकी फाइट होने वाली है। वहाँ पे जो हुआंग यू होता है वो कहता है आज तो ये मरने वाला है और वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब दोनों बंदों की फाइट यहाँ पे स्टार्ट होती है तो वांग होंग कहता है उस टाइम तो मैं गलती से तुमसे हार गया, इस बार मैं तुम्हें मार ही दूंगा और ये समझो आज तुम्हारा आखिरी दिन है, ध्यान से देख लो कल का सूरज तुम देख नहीं पाओगे। और उस पर कोई अपनी टेक्निक की मदद से कोई अटैक करता है कोई पावरफुल सा,
जो ऑडियंस होती है उनमें से एक बंदा कहता है, ये पहले हमने जब इसको 3 दिन पहले देखा था तब ये ट्रू क्यू आई के फर्स्ट लेवल पे था, और अब ये ट्रू क्यू आई के 3 लेवल पे है। ये मुश्किल है, अब तो जो लू हाउ है वो यहाँ पे जीत ही नहीं सकता। फिर जो हुआंग यू का चाचा होता है, मतलब हुआंग होंग का जो चाचा होता है, वो भी ऑडियंस के बीच में बैठा होता है। वो कहता है मैंने इसकी पावर्स को एलिक्सर्स की मदद से इनहेंस कर दिया, अब कोई चांस ही नहीं बनता ये अगर यहाँ पे जीत जाए, क्योंकि वो 3rd लेवल पे ट्रू क्यू आई के है। फिर जो बंदा होता है वो कहता है आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज तुम देख लो अब तुम मरने वाले हो। वो बंदे कहते हैं अब लगता है कि लू हाउ मरने वाला है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा इससे हार जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें देखा जाता है वो बंदा हार गया होता है, मतलब उस पर एक हिट मारता है हमारा लू हाउ, और वो सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है। जो उसका चाचा तक होता है वो भी कहता है ये कैसे हो सकता है, और वहाँ पर जितनी पब्लिक और जितने भी लोग बैठे थे सब हैरान थे। चाचा को एक अलग ही शौक लगा हुआ था कि भाई सब ये कैसे हो सकता है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल होकर भी एक अपने से कमज़ोर बंदे से हार सकता है। पब्लिक में बहुत ज़्यादा मतलब वाइप हो जाता है कि भाई साहब ये कैसे हो सकता है, इसने कितनी आराम से उसको एक ही हिट में गिरा दिया। और जो बंदा होता है वो कहता है मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था, इस वजह से तुमने मुझ पर हिट लगा दी, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। और वहाँ पर जो ऑडियंस होती है वो कहती है हाँ शायद था इसने कोई ट्रिक्स का इस्तेमाल किया इसलिए उसको एक अटैक कर दिया होगा। और जो उसका चाचा होता है वो कहता है अच्छा ऐसा कुछ है, अब लगता है हमारा जो वो होंग होंग है वो जीत जाएगा, अब तो कोई चांस ही नहीं है लू हाउ से जीत जाए, क्योंकि मैंने उसको एक बहुत ज़्यादा अच्छा वेपन दिया है। और फिर हमें वेपन्स के बारे में बताया जाता है, वेपन्स को 6 ग्रेड में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले ग्रेड होता है ऑर्डिनरी, फिर सुप्रीम, फिर उससे ज़्यादा अर्थ शेकिंग, फिर पियरलेस, फिर डिवाइन आर्टिफैक्ट। ये सारे के सारे स्वॉर्ड्स अलग अलग टाइप्स की होती हैं, और जो सबसे हाईएस्ट वाली इनमें से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ऑर्डिनरी तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है, और जो उससे ज़्यादा पावरफुल होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और जो हायर ग्रेड का वेपन होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो अकेले ही पहाड़ को गिरा सकता है, और वो अपने हायर ग्रेड्स के वेपन्स के बारे में बता रहा होता है। और फिर वो कहता है अगर किसी के पास अच्छा सा आर्टिफैक्ट लग जाता है, मतलब वो एक ही स्ट्राइक से एक पूरी की पूरी एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर जो बंदा होता है हुआंग होंग, वो हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, तो वो सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा आराम से बिना ज़्यादा पावर लगाए हमारे मेन कैरेक्टर लू हाउ को मार देगा। वो यही सोच के उस पर स्ट्राइक लगाता है, लेकिन कुछ यहाँ पे उल्टा ही हो जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उस पर एक अलग ही अटैक करता है, जिससे जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो शटर होने लग जाती है, मतलब टूटने लग जाती है। लू हाउ कहता है तुम्हें क्या लगा तुम्हारे सारी छोटी मोटी ट्रिक्स से मैं यहाँ पे हार जाऊँगा, और वो उस पर एक अटैक करता है, जिस अटैक से जो हुआंग होंग है वो ज़्यादा दूर जाके गिरता है, उसकी वजह से हुआंग होंग को बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं, और जितने भी लोग थे ऑडियंस वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। सबको पता था कि वहाँ पर सुप्रीम क्वालिटी का एक वेपन था, और जो उसका चाचा है वो और ज़्यादा सदमे में चला जाता है, भाई साहब ये कैसे हो सकता है, उसके पास तो कोई वेपन भी नहीं था, उसने सिर्फ अपनी फिस्ट की मदद से उसको आराम से हरा दिया। तो फिर उसका चाचा भड़क जाता है और वो कहता है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम क्यू आई कंडेंस के लेवल पे हो, और जिस लेवल पे तुम हो तुम अपने से ज़्यादा हायर ग्रेड के बंदे को नहीं हरा सकते। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अभी तक क्यू आई कंडेंस लेवल पे ही हूँ, और फिर वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और उनके सबके सामने दिखाता है कि वो ट्रू क्यू आई लेवल पे पहुँच चुका है। वो सारे बंदे हैरान हो जाते हैं, उन्हें लगा था क्यू आई कंडेंस्ड है, और उसके सामने उसकी पावर शो ऑफ करता है हमारा मेन कैरेक्टर। सब बंदे कहते हैं क्या 3 दिन के अंदर अंदर ये क्यू आई कंडेंस्ड है और ट्रू क्यू आई लेवल पे पहुँच गया। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है जो मेरी 9 ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है उसकी मदद से मैंने अपनी पावर और फिजिकल बॉडी को इतना ज़्यादा पावरफुल कर लिया, और वो बहुत ज़्यादा 5th लेवल पर पहुँच चुकी है जो उसकी टेक्निक है। और फिर वो हुआंग होंग पे एक स्ट्राइक लगाता है, और वो जो हुआंग होंग है उसको बहुत ज़्यादा मतलब बुरी तरीके से पीटने लग जाता है, और जहाँ पे जो हुआंग होंग है वो कुछ ज़्यादा मरने की कदार पे आ गया होता है, उसकी आँखें बाहर आने लग जाती हैं। हमें 2 सेकंड के लिए तो लगा कि हम वो मरने वाला है, और वो भी अपने समझ गया होता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो वो कहता है अंकल प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। फिर जो उसका अंकल होता है वो कहता है तुम प्लीज़ इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें 100 गोल्डन कॉइंस दूंगा, तुम जितना मांगोगे मैं उतना दूंगा, तुम्हें हायर ग्रेड के वेपन भी दूंगा। जो पब्लिक होती है वो कहती है ये कितना ज़्यादा बेकार इंसान है, ये यहाँ पे अपने यहाँ पे जो डुअल फाइट चल रही है लाइफ एंड डेथ की, यहाँ पे ये पैसे लगा के उसकी जान को खरीदना चाहता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है अगर तुम यहाँ मेरे सामने पूरी दुनिया भी रख दोगे ना तो भी मैं पूरी दुनिया नहीं लूँगा, इसने जिस बंदे को मारा वो मेरा रूममेट था, और एक बंदे की जान के बदले एक जान ली जाती है ये तुम भी जानते हो, और इसने अगर इसकी आँख निकाली होती तो मैं इसकी भी आँख निकाल लेता, और इससे इसका मेरा पूरा बदला पूरा होगा। और फिर वो उस पर एक बहुत बुरी स्ट्राइक लगाता है हुआंग होंग पे और उसको मार देता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे मारने के बाद कहता है हमारा काम सेटल हो चुका है। वहाँ पे जो ऑडियंस होती है वो सब हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने उसके सामने जो उसके एल्डर होता है मतलब जो उसका चाचा होता है उसके सामने मार दिया होता है। फिर जो उसका चाचा होता है वो कहता है तुम्हें कुछ पता नहीं है, मैं यहाँ पीक का एक एल्डर हूँ और मेरा लेवल हॉली मार्शल रैलम का है, और मैं तुम्हें मेरी आंखों के सामने मेरे भतीजे को मारा है, इसका मतलब मैं तुमसे लेके रहूँगा और मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या क्या कहना चाहता है तू, यहाँ पे सारे के सारे रूल्स तूने डिसाइड किए थे और यहाँ पे मैं जीत गया तो तुम मेरे सामने बेईमानी कर रहा है, और तू यहाँ पे एक सेक्ट का मतलब एल्डर होकर ऐसी बातें करता है, तुझे शर्म नहीं आती अगर यहाँ पे लोगों को पता चलेगा कि तुम जैसे कमीने लोग पहले बुलाते हैं और फिर मारते हैं तो तुम्हारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। अगर फिर भी तुम मुझे मारते हो लगता है तुम्हारी इज्जत की तुम्हें कोई चिंता नहीं है, और जिनके पास कोई इज्जत नहीं होती वही इज्जत की चिंता नहीं करते हैं, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कुछ जलने की बात आ रही है, पता नहीं ये क्या जल रहा है।
ये कमीना ये मेरा फ़ायदा उठाने की सोच रहा है, लेकिन मैं इससे बदला तो लेकर रहूँगा। अभी मैं बेशक इसको नहीं मार पा रहा, लेकिन इसको मैं बाद में सबक सिखा के रहूँगा। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है, तुम जैसे कुत्ते सिर्फ भौंक सकते हैं और कभी भी अटैक नहीं कर सकते। वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर की जय जयकार करने लग जाते हैं। आउटर सेक्ट का डिसाइपल हाउलू इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल इन द सेक्ट। फिर हमें ऑडियंस के बीच में एक बंदा दिखाया जाता है जो बंदा कुछ सोच रहा होता है। वो कहता है, कुछ ये टेक्निक जानी मानी से लग रही है, ये जो टेक्निक है इसने जो मतलब इस फाइट में इस्तेमाल करी है ड्रैगन 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से कुछ कुछ सिमिलर है। वो हमारी फैमिली की सबसे ज़्यादा बकवास टेक्निक थी, और लेकिन इसके पास जो टेक्निक है वो ज़्यादा अच्छी और वैल्यूबल लग रही है, और थोड़ी बहुत सिमिलर भी है। ऐसा हो सकता है कि इसने हमारे क्लैन से सीख ली हो। चलो हम दोनों साथ मिलकर हमारी जो टेक्निक है उसको लेके आते हैं। वो कहता है चलो ठीक है, और यहाँ पर यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। Thanks for watching.